हाय फ्रेंड्स, ये मेरा 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन है जिसका जो एलिमेंट है वो ख़राब हो चुका है। तो वैसे एलिमेंट तो मिल जाता है बाहर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो टोनी के एलिमेंट्स हैं, टोनी के सोल्डरिंग आयरन भी मिलते हैं, और ये हुआ मुझे 35 रुपया। और इस एलिमेंट को हम इसमें डालते हैं सोल्डरिंग आयरन में, और ये 35 वाट का है। जब बड़े बड़े सोल्डरिंग करना पड़ता है आप लोगों को कभी यूपीएस वगैरह में, तो ये काम में आता है। 10 वाट का सोल्डरिंग आयरन तो है, आप लोग देख चुके हो मेरा वो 10 वाट का सोल्डरिंग आयरन, उसमें तो छोटे सोल्डरिंग सर्किट बोर्ड्स होते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये इधर से खुल जाती है और इधर आपको सोल्डरिंग आयरन के दो टर्मिनल्स है, इधर नोज प्लायर के साथ अटैच करना है और ये नट ड्राइवर के साथ खोलना है। नट ड्राइवर हो या नोज प्लायर हो, इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे खोल सकते हो। ये ऐसे खुल जाती है, ये ऐसे, ये चीज़ें दोनों के बीच में, एलिमेंट के बीच में ये आ जाती है। और ये है एलिमेंट, इसको हमें इधर से खोलना, खोल के बाहर निकालना होगा। नया वाला मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। यह है इसका एलिमेंट 35 वाट का, कोई भी फेज न्यूट्रल कुछ नहीं इसमें, तो एसी है ये। इसको बस उसके इसके अंदर से इस तरफ जोड़ देना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये एलिमेंट को मैं यहाँ रख दिया। एक पेपर था जला हुआ, बट ठीक है वो जल चुका है, बट फिर भी मैं उसका टुकड़ा को यहाँ रख लेता हूँ। ये थोड़ा एक क्वेश्चन का काम करेगा, जैसे कि आप क्या कहते हैं इसको, ये जो स्टील है, स्टील को और ये जो एलिमेंट को टच होने नहीं देगा, लेकिन ये गर्म होता है, जलना नहीं चाहिए। थोड़ा एस्बेस्टस टाइप का है ये पेपर। और ये दोनों तार इधर ले आया, इससे ज़्यादा ये जो बीट, जो छोटे छोटे बीट्स है, इसको निकाल देंगे और यहीं जोड़ देंगे इसको। एक इधर रेड में, एक ब्लैक में, फेज न्यूट्रल। फिर ये बस नट बोल्ट इसका टाइट कर देंगे। एक और बात है, इसमें हमें जब फिलामेंट खरीद के लाते हैं, हम इसको चेक करेंगे, इसका जो रेसिस्टेंस है ठीक कितने का है। ये एकदम से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ना ही एकदम से ये ओपन वाला फिलामेंट नहीं मिल जाना चाहिए आप लोगों को, ये चेक करना होगा आपको। ये मेरी मीटर आपको दिख रहा होगा, इधर जीरो दिखा रहा है अभी मैं, ठीक है 1100। इसको टाइट कर देते हैं इधर से, बस कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इस जो पिन है इसका, इस पिन पे इसका रेसिस्टेंस चेक करेंगे। 1000 प्लस आ रहा था ना, 1100, ठीक है। अब ये काम करना चाहिए,
मैं अभी आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसका स्टैंड ले आया और पुराना सोल्डिंग आयरन भी ले आया। इसको अभी कनेक्ट करते हैं। अब ये होना चाहिए गरम। टेस्टर में चेक कर लिया कि कभी कभी शॉक लगता है। कुछ नहीं है, गरम हो गया। अब इसी को यूज करेंगे जब भी हम अपना यूपीएस के जो बैटरी टर्मिनल को हम सोल्डरिंग करते हैं 10 वाट में। ये देखो कितना छोटा टिप है, ये कुछ गर्म होके कुछ फटा। ऐसे होते हैं, नया जो एलिमेंट होते हैं ये थोड़ा बहुत फटते हैं, बट ठीक है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। गर्म होने लगा, बस शॉक नहीं लगना चाहिए, बस हो गया गरम। आप देख सकते हो मैं छू पा रहा हूँ इसको। 35 mm, थोड़ा सर 35 वाट ज़्यादा होता है, 10 वाट को हम छू सकते हैं। चलिए